क्योंकि उस दिन सारा चीज बंद रहता है। ऑफिस से ऑफिस अगर जाना हो तो आपको 2 घंटा पहले निकलना होगा। जॉब पे जा रहे हैं। यहाँ क्या लगता है, यहाँ रोज इतना जाम रहता है? रोज का प्रॉब्लम है। अभी तक इसका क्यों नहीं निर्माण हो पाया? ये तो नीतीश जी ही अच्छा से बताएंगे कि इतना सालों से वो कर क्या रहे हैं। हो नहीं रही है, लेकिन नीतीश भोगी तो हम लोग हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आप पुल पे बहुत ज्यादा ध्यान। किसी भी साइड से स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, ये आपको देख के नहीं लग रहा है? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं वे सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के करबिगैया इलाके में। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन यहाँ पे रोज जाम लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो पुल की जो निर्माण है, पिछले 8 साल से पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं मतलब नीतीश कुमार जी का कहना है कि पटना को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पुल का निर्माण होता है, तो लेकिन इस पुल का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ है, तो इसके बारे में चलकर मैं लोगों से बातें करूंगा। और आपको मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये पुल का जो निर्माण है यहाँ पे अभी आधा भी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। आप यहाँ से आप बाईपास जा सकते हैं, और अगर आप मेरे बाएँ ओर अगर आप जाना चाहेंगे तो इधर ये कंकड़बाग का एरिया होता है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे कितना मतलब भीड़ लगता है। आप रोज के रोज आप देख सकते हैं यहाँ पे, आज का बात नहीं है, ये लगभग रोज यहाँ पे इतना जाम आपको देखने के लिए मिलेगा, एनी टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं पे यहाँ पे अगर एम्बुलेंस अगर जाती है या फिर किसी को कोचिंग क्लासेस जानी रहती है तो सबको देरी होती है। तो चलिए चलकर मैं यहाँ पे जो लोग हैं मैं उनसे भी बातें करूँगा। ये लगभग पिछले 8 साल से हो रहा है, अभी तक क्यों कम्प्लीट नहीं हुआ? ये तो सरकार का दोष है, कुछ हो नहीं रही है। लेकिन नीतीश भोगी तो हम लोग हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आप पुल पे बहुत ज्यादा ध्यान। किसी भी साइड से स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, ये आपको देख के नहीं लग रहा है? कहीं ना कहीं ऐसा जाम रोज आपको देखने के लिए रोज मिलता है, सिर्फ एक संडे को कम जाम होती है क्योंकि उस दिन सारा चीज बंद रहता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को सोचने की, बिल्कुल दोषी है वो, उनको ध्यान देना चाहिए। जी आप क्या कह रहे हैं सर? ऑफिस से ऑफिस अगर जाना हो तो आपको 2 घंटा पहले निकलना होगा। जाम की वजह से? बिल्कुल जाम की वजह से। आज का नहीं, ये प्रतिदिन का है? ये रोज दिन का है, ये रोज का ही है। इसके बारे में कोई किसी का कुछ ध्यान नहीं रह रहा? बिल्कुल नहीं, इस पे कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। आप खुद देख सकते हो क्या परिस्थिति है, धूल वैसे ही आज तक ही बन ही रहा है। हम लोग तो 3 साल से देख रहे हैं बन ही रहा है ये, और बन के लगता है कि अगले भी 2 साल में तैयार हो जाए तो बहुत है। कहीं ना कहीं इस पे किसी का ध्यान नहीं है? किसी पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं। लोग तो चलकर इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे और पूछेंगे इसके बारे में कि कितना मतलब दिन और लगेगा अभी इस पुल को बनकर तैयार होने में। मैं आपको जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने भीड़ लगी हुई है और लोग कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे जाम की वजह से। किन्हीं को हॉस्पिटल जाना है, किन्हीं को कोचिंग क्लास करना है, तो बहुत ही मतलब परेशान है लोग। कहाँ जा रहे हैं सर? ये हम अपने जॉब पे जा रहे हैं। यहाँ क्या लगता है, यहाँ रोज इतना जाम रहता है? रोज का प्रॉब्लम है। जी तो जैसा कि अभी आपने सुना यहाँ पे जो जाम लगता है ये प्रतिदिन मतलब ऐसा देखने के लिए मिलता है। अच्छा क्या लगता है, ये जो पुल बन रहा है इसके कारण जाम रोज लगता है? जाम तो लगते रहता है, पुल बन जाना चाहिए तो जाम नहीं लगेगा। ये जो पुल है ये कहा जाता है पिछले 8 साल से मतलब ये पुल बनने का निर्माण मतलब शुरुआत हुआ था, अभी तक क्यों नहीं हो पाया? अब हम क्या बता सकते, इसमें सरकार लोग जो ठेकेदार है वो बनाएंगे ना, हम तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कमी है। हाँ तो कमी है तो तब तो नहीं बन रहा है ना, जिसके कारण आम आदमी को बहुत परेशानी देखना पड़ता है। देखिए रे पूरा जाम चल रहा है। तो जैसे कि आपने सुना लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर किसी को कोचिंग क्लास जाना रहता है या हॉस्पिटल जाना रहता है तो उन्हें 2 घंटे पहले यहाँ से निकलना पड़ता है, तो उनको कोचिंग क्लास मतलब वो कर सकते हैं। तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, मैं बात करवाऊंगा। जी सर कहाँ जा रहे हैं? मैं बहादुरपुर गुमटी जा रहा हूँ। यहाँ जो जाम लगता है ये रोज का है कि मतलब आज बस लगा है? नहीं ये तो ऑब्वियसली रोज लगता है इसमें ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये जो पुल का जो निर्माण है पिछले 8 साल से हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कहाँ मतलब कमी रह गई? कमी तो सब में ही है। चलिए अभी तो जाने दीजिए, अभी तो सरकार की तरफ से अभी भी कमी तो है ही। जी तो जैसा कि ये सिर्फ आज का बात नहीं है, यहाँ पे रोज इतना जाम लगता है और लोग इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर किन्हीं को कोचिंग जाना रहे या फिर क्लास जाना रहे उनको अपने घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है कि वो अपने समय पे पहुँच सके। ये तो हो गई जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बातें, और जो जिनका यहाँ पे दुकान है जो कि रोज ऐसा जाम प्रतिदिन देख रहे हैं मैं उनसे बातें करूँगा। सर क्या लगता है कि ये जो जाम है सिर्फ आज लगी है या फिर रोज लगती है? ये तो कई सालों से हम देख रहे हैं कि इसी तरह का काम ये हो रहा है, आधा आधा बना के छोड़े हुए है, इस पर कोई ध्यान देता नहीं है।
जबकि आने जाने में मोहल्ला वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सर मोहल्ला वासियों से मतलब नहीं है, जैसे कि यहाँ से जो भी अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है या एम्बुलेंस है उसको भी तो ये जाम का सामना करना पड़ता है। एकदम जाम का सामना करना पड़ता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एम्बुलेंस को भी रोकना पड़ जाता है। गैदरिंग जाम होता है कि जाम हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब नीतीश जी को कहा जाता है कि पुल और रोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, तो आखिरकार ये 8 साल से ज़्यादा समय हो गए, अभी तक इसका क्यों नहीं निर्माण हो पाया? ये तो नीतीश जी ही अच्छा से बताएंगे कि इतना सालों से वो कर क्या रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये पुल अभी और कितना टाइम लगेगा बनने में? अभी इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो पुल निर्माण वाला ही बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी बातें मतलब सोचने के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये पुल लगभग क्या लगता है कि कब तक बनकर रेडी होगा? 5 साल लग ही जाएगा। 8 साल अभी तक टाइम हो चुका है और 5 साल। हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई पुल या सड़क बनने का एक समय निर्धारित होता है कि इतने दिन में बन जाना चाहिए। हाँ। तो इसका तो लगभग लग रहा है कि फेल हो गया होगा। हाँ, फेल है। तो इसके कारण बहुत सारा जाम लग रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाम लग रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रहा है आम आदमी को, और नहीं बनने के कारण है कि जाम लग रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार को इसमें दोषी है, सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ सब जाम लग रहा है, आदमी सब बेचैन है। सरकार को तो इस बात पर सोचना चाहिए, क्योंकि 8 साल हो गया, 5 साल कम से कम, अभी 5 साल लगेगा। कम से कम 5 साल? हाँ, एकदम लगेगा। तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं जाम यहाँ पे लगातार बनी हुई है। अगर थोड़ा सा अगर आगे अगर जाकर अगर देखा जाए तो वहाँ पे ब्लॉकेज टाइप का बना हुआ है, जिसके कारण मतलब आदमी को इधर से गुजरने में दिक्कत आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कितना लंबा जाम है, और आप देख सकते हैं कितना परेशानी लोगों को हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी एक तरह से ये बात बताया जा रहा है कि ये आज का जाम नहीं है, ये प्रतिदिन इतना जाम लगता है। तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार जो है, मतलब नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, जिसे कहा जाता था कि सड़क और पुल पे बहुत ज़्यादा विशेष उनको ध्यान रहता है, लेकिन उनका इस वाले पुल पे कोई ध्यान है नहीं। आखिरकार इस पुल का निर्माण अभी तक क्यों रुका हुआ है? क्योंकि लगभग 8 साल पुराना ये पुल हो चुका है, और लोग कह रहे हैं कि क्या पता हो सके तो 5 साल और अभी समय लगेगा, जिसके कारण जाम बहुत ज़्यादा यहाँ लग रहा है। तो इसके बारे में सरकार को सोचने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसी खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।